अदा से आप कहाँ चले गए थे? अपनी बहन को अकेला छोड़कर इतने सालों में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मेरी बहन अकेली होगी, उसको मेरी जरूरत होगी। किसके सहारे छोड़कर गए थे मुझे? मैं भी तो अकेला रहा हूं ना इतने साल तुमसे दूर। तुम तो मखदूमा बाद में थी, अपने बाप दादा की जमीन पर। अगर मैं तो परदेश में था, ना मैं किसी को जानता था ना कोई मुझे जानता था। वापस आ गया हूं, अब नहीं चाहूंगा। तुम्हारी नजरों के सामने रहूंगा। सच कह रहे हो तो सही, तुम्हारी कसम। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। तो सही, मेरी आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। तो जी चाहते नहीं नजरें हटाऊं आपसे, जिक्र तो देखी ही जो। अब मैं यही रहूंगा तुम्हारी नजरों के सामने, जी भर के देखती रहना। सचा तो सही, मगर अभी मुझे चाची सायन के पास ले चलो, मुझे उनसे जाहिदा की मौत का अफसोस करना है। मुझे पता है वो बहुत दुखी होंगी। अदा सही, आओ मैं चाची सायन से मिलवाती हूँ आपको। चाचा सायन, इजाजत। पानी पी ले बेबी सैन। तुम बाहर जाओ। सलाम चाची सैन। जब से ज्यादा ये मौत हुई है ना, चाची सैन की यही हालत है, ना जिंदों में है ना मुर्दों में, ऐसे ही पड़ी रहती। कभी उठती है, रोती है, चीखें मारती है, दवाई देके फिर सुला देते। बहुत बुरी हालत है चाची सैन की। सुना है कुछ दिन पहले जायदा की भरवाना के बेटे के साथ मंगनी हुई थी, फिर कब वो बीमार हुई और कैसे मर गई? मैंने उससे मोहब्बत की है, इश्क की है, तुम्हारी तरह कत्ल नहीं की है। बदला लूंगी, खून का बदला मैं लूंगी, तुम दोनों की असलियत मैं बताऊंगी। बाबा साईं से बदला लेगी तो, ये बाबा साईं से बदला लेगी, बाबा साईं से बदला लेगी तो। बदला
मर गई मेरी बच्ची मर गई। सही आपके पुत्र ने मेरी दी को मार दिया। सही उसे देखिए, मेरी दी मर गई है, आपके पुत्र ने मार दी। कुछ बोल क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहे, चुप क्यों है? देखिए मेरी दी मैं मार दी। क्यों मारा तुम, क्यों मारा तुमने मेरी बेटी को? अपना जज्बात पर काबू रखो जमीला। आप कहते जज्बात पर कैसे काबू रखूं, कैसे काबू रखूं? जमीला, होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो होने जा रहा है उसे होने से रोक। बेनजीर, लेके जाओ उन्हें, ले जाओ उसे, ले जाओ। चुप क्यों हो, बोलो बताओ। अदा साईं, मुझे तो बस यही पता है कि जायदा बीमार थी, लेकिन बीमारी क्या थी ये मेरे को नहीं पता।